आप लोग का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आप सब लोग कैसे, आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। हम बिल्कुल ठीक है और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ 8 बजे से। और आज तो बच्चों की छुट्टी है, उनको मैं आराम से उठाऊँगी। मैं जाती हूँ डेली दूध देने, अब हम चले दूध पहुँचाने डेली। डेली में तो भीड़ लगी है, अभी 3-4 लोग हैं, चला जाए जल्दी जल्दी। भीड़ देखो गाइस डेयरी में, तभी हम डेयरी नहीं आते हैं, मम्मी को बेचती हूँ मैं, इसलिए बहुत कम आती हूँ डेयरी में। रोज़ की इतनी भीड़ लग रही थी डेयरी में, देखो फलादा बाद में देते रहना, तो मैं जल्दी आगे नंबर लगाया तो मेरा आ गया। अगर मैं पीछे पीछे खड़े होती मुझे 2-3 लोगों के देने के बाद आता मेरा नंबर, और मम्मी तो खड़े रहती हैं, मैं तो बोल देती हूँ जल्दी से मेरा घर में बहुत काम है, मुझे देने दो पहले दूध, थोड़ा बड़ा दूध दे के आ भी गई और वहाँ लाइन वैसे ही लगी। और और आइस तो उड़ गया है, अब देखती हूँ माए उठी कि नहीं। अल्लो भाई इनका आज कोई काम नहीं है, बस फोन आ गया तो बस चश्मा पहन के, चश्मा लगा के सीधे फोन में ही हो रहा है। लो पर्ची, पर्ची देखो, और मंथ के बंदे हैं मेरे बाल। आज छुट्टी है ट्यूशन की, हाँ मैसेज आ गया, मैंने भी देखा। मैं कहती थी पहले माया आयुष को उठाती हूँ, फिर वहाँ देखा तो पहले मैंने मोबाइल देखा तो मतलब मैसेज आया कल आना संडे के दिन, आज छुट्टी है। आयुष गुड मॉर्निंग बोलो बेटा सबको, अंकल का लाया, अंकल बोलते चार्जर लगा दो मेरा फोन, आयुष में लगा दे क्योंकि आज लाइट नहीं है, तो ड्राइवर का फोन चार्ज नहीं हुआ तो ड्राइवर ने दिया इसको, दिया मेरा फोन चार्ज लगा। अभी किरणदीप पूछ रही थी माया आयुष उठ गए करके, मैंने बोला नहीं उठे अभी सोए हैं, आयुष सुबह से लग गई अपनी ट्रेनिंग में, अम्मा को सिखा रही है कॉल कैसे करते हैं, कॉल कैसे उठाते हैं, और व्हाट्सअप कैसे, व्हाट्सअप में कैसे जाते हैं। और यहाँ मेरा बिट्टू कर रहा है रस्सी कूद, तभी तो बोलती बाबू बाहर कर, अंदर कोई रस्सी कूद नहीं करता है, बाहर होता है अच्छे से, अंदर कहीं ना कहीं लग जाता है। मैसेज वाला नहीं मानू मेन, अम्मा को ना कॉल करना, कॉल मतलब कैसे उठाते हैं ये सब चीज़ सिखा अच्छे से। आज छुट्टी है, आज ये काम रहेगा, ठीक है, ठीक से मम्मी। तो मम्मी मेरे से बोलते हैं कि ये हो कि मेरा तो पहले व्हाट्सएप में जाना, यहाँ पर है। बुड्ढा जी आ गए हैं अपने काम पे, चांस हो रहे आ। तो अम्मा कहाँ जा रही है, अम्मा कल भी घूमने गई है, अम्मा आज भी जा रही है, आज कहाँ जा रही है अम्मा? अम्मा सबरा जा रही है, क्यों जा रही है बता दे। आज सबर वाली ताई लोगों के घर में कीर्तन है, तो अम्मा से हम सबको बुलाया, अब अम्मा जाएगी, देखो आज कौन कौन जाता है दिन में, है ना। अम्मा कदू बजी उठी छन पता ना थी ना पूछा है कदू बजी उठी छन, चल ठीक छो अम्मा लो फोन करूँ मैं पूछ लूँ ना। और आयुष तू भी जा रहा बुढ़ा के साथ है, नहीं ठीक है। अम्मा चावल साफ करती है, अम्मा ही करती है चावल साफ, और मेरा बच्चा धोने लग गया भात धोला है, और साबुन है देख मैंने साबुन निकाला तुम्हारे लिए अच्छा वाला, जैसे हाँ फेस वॉश से अभी से नहीं करते बाबू, मैंने वाला साबुन निकाला, फेस से मुना दीदी को बता देना। आयुष पूछताछ करने लग गया बुढ़ा से, बुढ़ा कितने बजे जाएगी, कितने बजे आएगी, हाँ ट्यूशन थोड़ी है भी, अगर चले भी जाएगा तो बुढ़ा नहीं रे बाबू वहाँ भी बहुत लोग होते हैं, फिर तू सता नहीं करेगा तो कॉपी नहीं, बुक 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 लेने जाना है। आयुष कितनी बुक लानी है, दो दो या तीन, पांच पांच बुक लानी है इसको, इसको और उसको पांच, दो नोटबुक, चल ठीक है। और मैंने साबुन निकाला उसी साबुन से आज से मुंह धोना, तुम दोनों का ही है वो साबुन, ठीक है चल जा। तो यानी आदमी बोलिया
तो अभी मैं जा रहा हूँ किरण दीदी के घर क्रिकेट खेलने, और आज छुट्टी है तभी जा रहा हूँ, वरना तो ऐसी छुट्टी नहीं होती है, या तो स्कूल होता है या तो ट्यूशन होता है, तो आज छुट्टी है ट्यूशन की भी स्कूल की भी, क्योंकि आज बैसाखी है, हैप्पी बैसाखी आप सबको। तो अभी मैं जा रहा हूँ किरण दीदी के घर खेलने, अभी धूप भी नहीं आई है, सही है यार, धूप भी नहीं आई है, दिन की सुबह की धूप है, सही है। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ किरण दीदी के घर खेलने के लिए, चलो खेलते हैं, अभी धूप भी यहाँ पे लेट रखे हैं कहीं। अरे फिर तो सवारा जाऊँगा ना, कीर्तन है ना, जा रहा हूँ ताई लोग के घर बिटोला देने, कला वालों का बिटोला आया था, केले आपको दिखाए थे, वो केले हमारे पक गए हैं, केलों को रखा जाए, नीचे रख देते ना, तसला तो चाहिए होता है, तसले की पड़ती है जरूरत, घर के केले, घर में केले बोने का भी एक फायदा है, इतने केले मिल जाते हैं। आज हमारा कामदार को देखो भाई, हमारे कामदार को ये देखो, और आयुष ने नहा लिया, नहाने के बाद हो रहा है इसका धूल वाला काम। अरे गधे, हेलो, नहाने के बाद हो रहा है ये काम। मंतु कहाँ गई रे, मंतु ने नहा लिया, नहा लिया ना मंतु ने, वाह आज तो मंतु ने वाला सूट पहना है, अच्छा लग रहा है, बाल कहाँ ले बाबू तेल लगा के, बस आगे इतना खोला बाबू, फिर शाम को उठाने भी होता है। मामी आई है हमारी पड़ोसी दूध लेने, लो भाई, मामी है, लो ये भी खा लो, तुम कब से डो रहे हो रे गेहूं, अरे गेहूं कब से डो रहे हो, कल से, ये वीडियो बना रहे हो आज से, अम्मा को पता नहीं क्या बना रहे होंगे, वही फिल्टर लगा के स्नैपचैट में बना रहे हैं, आयुष कुबू बल दाढ़ी आड़े मूछ वाला बना रहे होंगे, माय गॉड आपा कुबू बल मैं बना रही, अरे तो मैं बना पे फोटो खींच रही थी, क्या दिखाओ दिखाओ रे दिखाओ, हाँ अच्छा ऐसे कर रहे हो, मैं तो बनी नहीं रही हूँ, नहीं बन रही हूँ, मैं बनी नहीं रही हूँ, तो कैसे मूछ वाला, हाँ इसको बना दो भूत, इसको बहुत शौक है ना भूत भूत, ये ऐसे बना बना के हंस रहे हैं, ये देख आज इसको असली में भूत लग रहा है, ये आयुष अरे यार अच्छा लग रहा है यार, स्मार्ट तो देख रहा हूँ, अभी एक और आएगा, ये देखो बंदर पाला मैंने, यही से वह जुकाम लगी है, बड़े हो कैसे पढ़ना है, मम्मी देखो, चलो मम्मी फायर निकाल, हम जा रहे हैं, अरे मैं तो तुम्हें कपड़े लेने,
चल ले तो चल चल आयुष, फटाफट पहले कपड़े लेके आते हैं, फिर कल वो बंद है उसकी दुकान। हमने कब से कपड़े दिए सिलने के लिए, तो वो हमारे टेलर का आ रहा है फोन, लेने आओ कपड़े। तो हम जा रहे हैं कपड़े लेने, अब हम जा रहे हैं कपड़े लेने। जो हमारे कपड़े सिलते हो बोले आ जाओ कल से, मैं दो तीन दिन तक नहीं आऊँगी। मैंने बोला हम अब जाते हैं, हम कपड़े लेने जा रहे हैं, फिर मैं आज और कपड़े लेके जा रही हूँ। इतने कपड़े लेते हैं हम, लेने जाऊँगी फिर और देके आती हूँ, फिर लेने जाऊँगी फिर और देके आऊँगी। और ये है मेरा छोटा सा पर्स और मेरी स्कूटी की चाबी और छल्ला भोलेनाथ का। किराना तेरे हो रहे हैं 370 रुपये। मैंने उसको कॉल करा था ना, टेलर को फोन करा था, बोले 370 रुपये किराने के, 370 रुपये लड़ा तो पूछ लीजिए ना, चाची पूछ देना करके तभी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आ जा रोड में, हाँ हाँ आ जा। अब किरण मैं और आयुष जा रहे हैं, मंत से भी आप बोली आई मेरी। और आज मैंने बालों में तेल लगाया, बिल्कुल चिपकू लग रही हूँ मैं। ये क्या करेगा शादी में, ये शादी में डूब लगी। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी मैं जा रहा हूँ गेट खोलने, मम्मी आ रही है पीछे से, और हमारा रैम्बो पहले यहीं पर पहुँच गया। गेट तो मैं खोल दूँगा, फिर बंदा माफ कर देगी। ये रैम्बो देखो पहले बाहर निकल गया, अम्मा गेट बंद कर देना ठीक है। और मम्मी ले गई, अभी मैं भी बैठता हूँ स्कूटी में। किरण दीदी हमारा वहाँ पर इंतजार कर रही है वो। तो अभी हम निकल गए हैं और अभी किरण दीदी यहाँ पर से बैठेगी। चल बोला मैंने उसे, अभी तो सोके उठी है। ये किरण दीदी बैठ चुकी है, अम्मा का फोन मिल गया कह रही हूँ। हाँ दुकान याली दुकान के बगल में, जिसको सिलवाने होंगे आ जाना, बहुत अच्छे कपड़े सिलते हैं यहाँ पे। अब आयुष कह रहा है मम्मी कुछ चीज़ खिलाओ, किरण क्या खाएगी, और आयुष जो खा ले, और दीदी के लिए भी लेना एक चीज़। हाँ अरे कहाँ है तुम, राम राम। ठीक हो वीडियो कहाँ बना रहे हो, क्यों तुम्हें भी ले लेते, थोड़ा सबर वालों को भी ले लेते, उल्धन वालों को तो बहुत ले लिया मैंने। इनको ले हो जे, ये ना उल्धन के हैं, ये तो आते रहते हैं, ये कतई पी रहे हैं जूस, कतई पी रहे हैं जूस कतई। क्या खा रहा है आयुष, ले दीदी के लिए भी लेना एक चीज़। हाँ तो रोज ही देखते हैं हम तुमको, क्यों देखते हो, नहीं देखते खाली बोल रहे हो, देख रहे हो। तो अभी हम जाने लग गए हैं, पैदल है ठीक है, नहीं हम जाके स्कूटी में आएगा। तो अभी मैं भी बैठ चुका हूँ, अब ये भी अब हम चले। हाँ सब्जी कुछ है नहीं तो वो सही हुआ, सब्जी वाला भी पहुंच गया टाइम से, खुलो रुंदी सब्जी वाला भी पहुंच गया अभी टाइम से। अब ली जाए सब्जी लेते, गेट बंद कर दिया। क्या क्या लाए हो, शिमला मिर्च और कद्दू, तो जने ले बिल्ली खा रहा है। मटर शिमला मिर्च भी हमारे बच्चे खाते नहीं है। मटर कितना है, मटर 80 रुपए किलो, बाबा वो खा ले यार 80 रुपए किलो। शिमला मिर्च 60 सब्जी है क्या आजकल, बहुत महंगा, हम तो लेते नहीं है हमेशा,
वही ला जाते हैं मार्केट से ना, हमें पता भी नहीं कितने रुपए किलो क्या है। आज तो झटका लग रहा है सुन के हमें, इतना महंगा। तो बंद गोभी भी है, खीरा तो जन ली, शिमला मिर्चा ली, तो शिमला मिर्च दे दो फिर आधा किलो, आलू डालना आधा किलो कर दो। अब जैसे हम लोग रोज सब्जी लाते तो हमें आइडिया होता ना कितने रुपए किलो क्या है क्या नहीं है। अब वो मार्केट जाते हैं वही ला जाते हैं सब सब्जी। नहीं लेनी है भाई हमें मच्छी, हमें सब्जी लेनी है। नवरात्रि चल रहा है, आज सब्जी कुछ थी नहीं सही हुआ, आ गए आप सब्जी भी हो जाएगी। ये देखो फील्ड बना रहे हैं आयुष और किरण, और हमसे मंगाए ने पानी। तुम तो फील्ड बना रहे हो खेलोगे, और हमें क्यों हमसे क्यों मंगा रहे हो तुम लोग पानी। ए दीवाड़ा है तू डंडा पकड़ के क्यों बैठा रहे, क्या करेगा फिर तू खेल तो समय सोना। ए खेल तो हमें एक मारा ये डंडे के अभी सीधा करेगा इसको, और इसको पानी प्यास लग गया, लाल हो गया मुंह। वह ठीक है तो वेदर इसमें खोद दे, नहीं तो अभी नहीं जुतेंगे, अभी कहाँ जुतेंगे अभी थोड़ी। ये महाराजा के बुला रहा है, ये महाराजा के बुला रहा है, ये बहना भर। आज सुनो तुम लोग बनाओ कल से खेलना फिर। अभी ये लोग सब औरा देख के आए हैं, वहाँ सब बच्चे लोग खेल रहे थे तो इनका भी प्लान बना के चलो हम भी फील्ड बनाएंगे। यहाँ तो ज़्यादा बच्चे हैं नहीं हमारे, मतलब दूर दूर हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतने बच्चे हैं। अभी एक अश्मी आएगी ना तुम्हारे हाथ, दो दो ये चार ही हो गए, एक अश्मी आएगी, पाँच ही बच्चे हैं लेकिन थोड़ा दूर दूर है, उनको बुलाना पड़ेगा। अभी पाँचों खेलेंगे, क्यों आयुष क्यों खेला ना, पाँच ही लोग खेलोगे, ज़्यादा दूर तक मत बनाओ ना, थोड़ा बनाना। ओके अब कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।